हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अरमान ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पार्ट वन में हम लोग बहुत सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़े हैं कि उन नंबर से किसी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पार्ट टू के नाम से पढ़ेंगे और वह होगा कि किसी प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे, कैसे हम बताएंगे कि अगर ये प्राइम नंबर कोई है तो उससे कोई नंबर डिविजिबल है, उस चीज़ को कैसे चेक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये प्राइम नंबर्स का जो डिविजिबिलिटी रूल बनाने का तरीका है, यह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। अब बहुत सारे तरीके हैं डिविजिबिलिटी रूल प्राइम नंबर्स के भी चेक करने के, जैसे 11 है, 7 है, इसके बहुत तमाम तरीके हैं। आप डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन यह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है। इस चीज़ को भी आप ज़रूर सीखने की कोशिश करें। तो इसमें, इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 11। डिविजिबिलिटी रूल बाई 11 कैसे, इसका वर्किंग क्या प्रोसीजर होगा, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। अगर 11 की हमको रूल बनाना हो, डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 को हम लिखेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट, यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट छोड़ के रिमेनिंग पार्ट वन है, वन को लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस लिखेंगे अपने तरफ से, और जो इसका यूनिट डिजिट है उसमें यक्स को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। मतलब इसको हम फाइनली, इस नंबर को हम लिखेंगे 1 + x × 1। लेकिन ये वन जो है वह यूनिट डिजिट है, और यह वन जो है यूनिट डिजिट के बाद रिमेनिंग पार्ट जितने भी हैं वो ये हैं। अब यहाँ पे जो यक्स है ना, वो यक्स जो है इसी का नाम होगा आगे चल के ऑड फैक्टर, और अलग अलग प्राइम नंबर्स के लिए यक्स जो होगा वो अलग अलग होगा, मतलब ऑड फैक्टर्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि अगर 1 + x × 1, डेट इज 1 + x अगर लिखा गया है ये क्वांटिटी, तो इसको 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यक्स का क्या वैल्यू होगा, यक्स का क्या वैल्यू यहाँ पे रखा जाए कि यह 11 से डिविजिबल होगा। तो क्लियरली यक्स का छोटा वैल्यू -1 होगा, या 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, -1 रखिए। ऑड फैक्टर जितना ही छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, कैलकुलेशन उतना ही ईजी होगा इससे। तो यक्स मस्ट भी -1 होना चाहिए। यक्स अगर -1 होता है तो -1 और 1 0 हो जाएगा, 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, इसलिए 11 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू -1 आया, इसका मतलब है कि 11 की जब डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हम यक्स का वैल्यू -1, डेट इज ऑड फैक्टर -1 होगा। मतलब 11 की डिविजिबिलिटी रूल में ऑड फैक्टर -1 हुआ, और -1 क्यों मिला, क्योंकि हम इसके यूनिट डिजिट में यक्स से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर ये होगा कि किसी भी नंबर में अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यह 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस नंबर के यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा उस नंबर का, उसमें बाकी का जो नंबर बचेगा रिमेनिंग पार्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद, वह मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वह रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 11। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 1, यानी 1 से हमको मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट में उस नंबर के, और उस जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वह रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट नंबर मिलेगा, रिजल्टिंग नंबर, वह अगर 11 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से, नहीं तो नहीं होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी चीज़ को बार बार हम रिपीट करेंगे। एक बार फिर हम क्लियर कर देते हैं कि अगर हमको 11 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए हम इसको लिखेंगे यूनिट डिजिट में यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसके अलावा जितना भी नंबर होगा उस नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे चूंकि 1 ही है, सिर्फ 1 है, तो 1 + x × 1। अगर इस नंबर को डिविजिबल बाई 11 होना है, इस नंबर को डिविजिबल बाई 11 होना है, तो इसको यक्स को -1 ही होना पड़ेगा। 10 भी हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा होगा, इसलिए -1 होना चाहिए। -1 अगर होगा तो 0 हो जाएगा, 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो 11 से भी होगा। तो यक्स इजिकल टू -1 यहाँ पे ऑड फैक्टर हुआ। माइनस साइन बस ये बताएगा कि रिमेनिंग पार्ट में से हमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो
तो हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर, मान लीजिए बहुत बड़ा कोई नंबर है, उसको चेक करना है कि यह 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा यूनिट डिजिट के अलावा, उसमें से इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा, अगर वह 11 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पूरा प्रोसीजर है, वर्किंग प्रोसीजर। आगे हम लोग पढ़ते हैं 13 और क्लियर हो जाएगा। 13 में क्या करेंगे, 13 का रूल बनाना है, तो इसमें भी सेम चीज़, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए और रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे जो आएगा भाई 13 से इस नंबर को डिवाइड होना चाहिए, और 13 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। 4 होगा तो 4 into 3 is 12, 12 by 1 is 13, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑड फैक्टर हुआ, ये हुआ 4, ऑड फैक्टर यहाँ पे 4। तो 4 को कैसे हम, इसका जो वर्किंग प्रोसीजर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमको ये चेक करना हो कि 169 13 से डिविजिबल है कि नहीं, और ऑड फैक्टर इसका 14 है, सिर्फ ऑड फैक्टर याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो है इस नंबर का, उसमें ऐड करेंगे। तो 4 और 9 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आएगा 36, 36 में 16 ऐड करेंगे तो 52। मान लीजिए हमको 52 नहीं पता है कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फिर इसमें वही उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 2 में 4 से मल्टीप्लाई करिए ऑड फैक्टर से यूनिट डिजिट में, तो 4 2 8, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर डेट इज़ 5 में उसको ऐड करिए, तो आएगा 13, 13 इज डिविजिबल बाई 13, डेट्स वाई 169 इज आल्सो डिविजिबल बाई 13। सेकेंड, मान लीजिए 182 है, 182 पता नहीं है कि नहीं डिविजिबल, तो इस चीज़ को हमको पता करने के लिए क्या करेंगे, 18 रिमेनिंग पार्ट है और यूनिट डिजिट 2 है, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 और 18 जो होगा वो 26 होगा, 26 इज डिविजिबल बाई 26 इज डिविजिबल बाई 13, डेट्स वाई 182 इज आल्सो डिविजिबल बाई 13। और एक एग्जांपल हम लोग 11 का देख लेते हैं कि मान लीजिए 1331, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसका ऑड फैक्टर क्या पढ़े हैं, -1, ऑड फैक्टर -1 पढ़े हैं, लेकिन वर्किंग प्रोसीजर इसका ऐसे है कि यूनिट डिजिट में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसका ऑड फैक्टर निगेटिव आया था। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर 133 है, 133 में से 1 माइनस करेंगे तो 132 होगा। 133 को फिर 11 से चेक करना हो कि डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 2 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और रिमेनिंग पार्ट जो 13 होगा, 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 11। 11 चूंकि 11 से डिविजिबल है, इसलिए 1331 भी 11 से डिविजिबल होगा। तो यह है 11 की डिविजिबिलिटी रूल का एप्लीकेशन। आप फिर वीडियो को पॉज करके देख लेंगे एक बार फिर से तो क्लियर हो जाएगा। अब एक और ही इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई 7 से जो डिविजिबिलिटी रूल है, 7 का बहुत यूज होता है डिविजिबिलिटी रूल में। तो इस चीज़ को हम इसलिए पहले नहीं बताए थे क्योंकि 2 डिजिट का आप समझ लेंगे तो 7 से भी समझ में आ जाएगा। 7 सिंगल डिजिट है, रिमेनिंग पार्ट तो इसमें होगा नहीं, इसलिए इसमें समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ को हम 11 और 13 का पढ़ लिए हैं तो अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब 7 का हम लोग पढ़ेंगे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल, हमको कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा यह बात हम कह सकते हैं कि अगर वह नंबर 14 से डिविजिबल होगा, अगर कोई नंबर 14 से डिविजिबल होगा तो 7 से ज़रूर डिविजिबल होगा। तो सेम वही है, हम लोग बनाएंगे रूल 14 के लिए और वह 7 पे ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बस यही कॉन्सेप्ट समझना है कि 7 से वही 7 से जो नंबर डिविजिबल होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 14 से ज़रूर डिविजिबल होंगे, तो 7 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। अगर कोई नंबर 14 से डिविजिबल है तो 7 से ज़रूर डिविजिबल होगा, इसी चीज़ को बस समझना है यहाँ। तो हम 14 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे और 7 पे ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल चलिए बनाते हैं। तो 1 + 4x लिख सकते हैं, क्यों ये लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, x यहाँ पे ऑड फैक्टर है। अच्छा, इस नंबर को हमको बनाना है कि 7 से डिविजिबल हो, तो 7 से डिविजिबल होने के लिए x का वैल्यू अगर -2 यहाँ पे रख दिया जाए तो 4 × -8 और -8 1 -7 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो x = -2 ऑड फैक्टर हुआ 7 से डिविजिबिलिटी रूल में। अगर मान लीजिए हमको 4
49 चेक करना हो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -14। -14 7 से डिविजिबल है इसलिए नंबर भी 49 भी 7 से डिविजिबल होगा। 343 रिमेनिंग पार्ट 33 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 2 6 34 में से 6 माइनस होगा तो 28 होगा। 28 7 से डिविजिबल है इसलिए 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल का 7 का। अब और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि उसका ऑड फैक्टर क्या होगा। अगर सिर्फ ऑड फैक्टर पता चल जाए तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो पहला प्राइम नंबर 17 है। 17 का ऑड फैक्टर -5 होता है, 19 का 2 होता है, 29 का 3 होता है, और भी बहुत सारा ऑड फैक्टर है। कैसे निकाल रहे हैं आप समझ लीजिएगा, इस चीज़ को बनाया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक प्रॉब्लम इस पे बनता है डिविजिबिलिटी रूल पे, उसको डिस्कस करके और ये डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म किया जा रहा है। ये जो पहला प्रॉब्लम है वह क्वेश्चन ये है कि इफ़ 8 7 6 A 4 3 B इज डिविजिबल बाई 9 एंड B इज एन इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A। फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A, A के जितने भी वैल्यूज पॉसिबल हैं उन सभी का सम पता करना है आपको। और B के लिए इन्फॉर्मेशन है कि B जो है वो इवन नंबर है और 9 से डिविजिबल भी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में उस चीज़ को हम लिखते हैं कि सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अच्छा, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं 9 का, कि 9 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट लिख लेते हैं 8 + 7 + 6 + A + 4 + 3 + B। यह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि कहा है कि 9 से डिविजिबल होगा तो सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगा, तो यह भी 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो देखिए 3 और 6 9 हो रहा है, ये ख़त्म। 8 7 15 4 19 19 9 से डिविजिबल, 9 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 A और B यही बचेगा 3। यह भी 9 से डिविजिबल है, क्वेश्चन कहा है यह भी 9 से डिविजिबल है। अच्छा, ये भी इन्फॉर्मेशन है कि B जो है वो इवन नंबर है, तो वही बात है कि सिंस B इज एन इवन नंबर देयरफॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B आर 0 2 4 6 8। यही हो सकता है, इवन नंबर है तो, क्योंकि डिजिट है, डिजिट सिंगल डिजिट में ही होगा, 0 2 4 6 8 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये बताइए 1 + A + B में अगर B 0 होता है तो ये क्या होगा, ये 8 होगा तभी ना, ये 9 होगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए और यह भी सिंगल डिजिट ही होना चाहिए क्योंकि 8 डिजिट है। तो अगर ये 1 है और ये 0 होता है तो इसको 8 के अलावा और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा, अगर B 2 होता है, यहाँ पे B अगर 2 होता है तो, और ये 1 है तो इसको 6 ही होना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर B 4 होता है, यहाँ पे B अगर 4 है तो A 4 होना पड़ेगा और 1 ही है तब 9 होगा। B 6 होता है तो 6 2 होगा A, तब जाके ये 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अगर B 8 होता है तो A 0 होगा, तब जाके ये 9 से डिविजिबल होगा। B 8 होता है तो A एक और पॉसिबल है वैल्यू 0 के अलावा, 9 भी हो सकता है, 9 होगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 18 भी 9 से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई सिंगल डिजिट में A और B के वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यही पूरे टोटल पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसलिए A का जो वैल्यू, जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज होगा, वह रिजल्ट यही आएगा कि भाई 8 6 4 2 0 9 इतना ही वैल्यू होगा। इन सभी को सम करेंगे तो 29 होगा और यही आंसर होगा। एक बार फिर से आप इस चीज़ को, बहुत जल्दी में हमको पता है कि बहुत जल्दी हम एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ को, लेकिन खूब अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके आप लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन का वेट क्या है। बाकी किसी भी सजेशंस के लिए, किसी भी शिकायत के लिए, कोई भी अगर असुविधा हो रही है आपको समझने में, तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कोशिश पूरी रहेगी कि वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाए कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो।
दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आज तक ख़त्म हो गया, नंबर सिस्टम का मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखा जाएगा, जो प्लान होगा उस हिसाब से किया जाएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है।